गुड मॉर्निंग ऑल ऑलफ्यू मैं केतन आपसी का स्वागत करता हूं अपने परिवार टेकपुर में तो सबसे पहले तो भाई सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को और लेट कितना हो गया दस मिनट देरी के लिए माफी चाहेंगे आप सभी से तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई वीडियो को हर जगह शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग आ जाए और कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ कुछ नया स्टार्ट किया जाए ताकि आप लोगों का जो किसी भी एग्जाम में जो पढ़ रहे हैं उसका जो सेलेक्शन है उसके चांसेस प्रबल बन पाए ठीक है ना तो जल्दी से क्या करेंगे वीडियो को को शेयर कर देंगे और और गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक बार और सभी ठीक है? चलिए। लेट एक्चुअली एडिटर्स देखो संडे है आज ना तो संडे को एडिटर्स होते नहीं है एक ही याद एडिटर होते हैं तो उनको क्लासेस चलती हैं तीन चार लाइन में तो उनको देखना पड़ता फिर कई टेक्निकल इशू भी हो जाते हैं ठीक है थीके? तो जल्दी से क्या करेंगे बेटा वीडियो को शेयर कर दीजिए जहां पर भी आप किसी भी ग्रुप में हो अगर आपके कोई फ्रेंड्स और जो सिविल इंजीनियर से ताल्लुक रखते हैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड किसी भी कंडिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिए ठीक है ना ताकि हम अपने कुछ अनाउंसमेंट है उनको कर पाए और देखो किसी भी अनाउंसमेंट को हल्के में लेने की कोशिश मत करना ये कतई मत सोचना क्योंकि जब इतना थ्रिल दे दिया है ऑलरेडी तो लोगों को लग रहा होगा कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ मतलब पेपर अपने आप निकल जाए तो ऐसा नहीं होता है मैं ये जो थ्रिल प्रोवाइड किया गया है आपसे दो तीन दिन पहले जो आपको बताया गया कि कुछ आने वाला है वो सिर्फ हम लोगों ने जो प्लान किया वो एक अलग स्ट्रेटजी प्लान की है एग्जाम को लेके कुछ अलग प्लान किया है कि एग्जाम को निकालने का इससे जो जिस स्ट्रेटजी पे अभी तक चल रहे थे उससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है ठीक है तो उसी के मद्देनजर रखते हुए उसी प्लानिंग के तहत और कुछ क्लास कुछ नई क्लासेस को इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ेंगे कई लोग हालांकि ये भी कह रहे थे सर कोई नई फैकल्टी आएगी नहीं कोई भी नई फैकल्टी नहीं है सिविल इंजीनियर की हम और अजय सर पर्याप्त हैं किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कराने के लिए ठीक है ना उसके लिए आप लोग निश्चिंत होकर करें ठीक है चलिए तो आ, कोई नई फैकल्टी नहीं है हम ही दोनों हैं बस आपकी कुछ योजनाएं हैं उनको उनको लेकर चर्चा करनी है क्या खिटखिट -खिट। एक दो है ठीक है ना उनको लेकर तैयारी करनी है ठीक है और सबसे पहली बात तो एस एस की दो मिनट बात करूंगा एस एस जेई का जो पेपर हुआ और जो अनुमान में लगा सकता हूं जो आखिरी शिफ्ट थी अभी जो रिसेंटली कल हुआ था है? कल था पेपर आखिरी 30 को हाँ, परसों तो जो आखिरी हार्ड पेपर आया था ठीक है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं अगर हार्ड आपके लिए था ऐसा समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि हार्ड सिर्फ टेक पर जो लोगों ने पढ़ा उसी के लिए था नहीं अगर न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर था लेंदी था तो वो सबके लिए था सिविल इंजीनियर किसी भी कोने कोने में हो इंडिया के ठीक है तो उस इन दैट केस अगर आपके 130-40 भी होते हैं 135-40 तक तो अटैम्प्ट करके आए तो वो पर्याप्त है मेरे हिसाब से बाकी कट ऑफ का अंदाजा बाद में मिलेगा अभी बिहार का भी बिहार रीजन के पेपर्स बाकी हैं चलिए ठीक है तो अब हम स्टार्ट करेंगे चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई क्या बात है क्या योजना है आपके लिए ऐसी क्या कैसी क्या योजना लेके योजना लेके आए हैं जिससे जो इतना आपको पहले से इंतजार करवाया योजना कुछ नहीं है सबसे पहले तो जो हमारा जो मेन टारगेट है वो यूपीपीएससी ए ही ए है क्योंकि यूपीपीएससी ए की जो डेट है वो तेरह दिसंबर को आ चुकी है जो कि ऑलरेडी पोस्टपोन्ड होके आई है तो अब होगा नहीं होगा उस कयासों को साइड में रखते हुए अपनी तैयारी पे ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं जो अपनी एक आखिरी लड़ाई है जो अपनी एक आखिरी बैटल है उसके उसके तहत हम जाएंगे ठीक है ना आखिरी बैटल जो हमारी है उसको हम लड़ेंगे यहां पर और देखो ये कतई भी मजाक नहीं है कतई भी नॉन सीरियस चीजें हैं नहीं है जो मैं आप बोलने जा रहा हूं इनको बिल्कुल सीरियस लेना जितना सीरियस यहाँ पर हमने उसकी तैयारी करते समय लिया है जितना सीरियस स्ट्रेटजी बनाते समय लिया है उतना ही सीरियस आप इस चीज को लोगे कि ऐसा क्या है ऐसा कुछ नहीं है बस ऐसा एक स्ट्रेटजी है जो अभी तक आपने कहीं पर भी अप्लाई होते हुए नहीं देखी होगी इन अ डे ठीक है ना तो के तहत हम चलेंगे ठीक है तो मैंने यूपीपीएससी का एक बैच आ रहा है जो बैच आपका पर फ्री चलेगा ठीक है ना यूपीपीएससी पर एक बैच आ रहा है वो सॉरी पर टेकपुर पर एक बैच आ रहा है जो बैच आपका किस पर फ्री ऑफ कॉस्ट है कहां पर चलने वाला है यूपीपीएससी के लिए टेकपुर चैनल पर फ्री पर चलेगा ठीक है ना तो जैसे कि यहां पर लिखा है बैटल बिगिन और आपकी लड़ाई आज से स्टार्ट हो गई रेस्ट जितना करना था वो आपने कर लिया आज ही वो दिन है जो कमर कसने के लिए और कल से बुरी तरीके से लग जाना है अगर आपको भरोसा है हम दोनों पर अगर आपको भरोसा है टेकपुर की बाकी नॉन नॉन टेक्निकल फैकल्टीज पर भी तो डेफिनेटली हम आपको उदास कतई भी नहीं होने देंगे ठीक है तो चलते हैं यहां पर तो जैसा कि मैंने बोला कि एक बैच आ रहा है यूपीपीएससी ए का जिसे हमने नाम दिया मेरिट बैच ठीक है ना यूपीपीएससी का एक मेरिट बैच आ रहा है आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट है अब ये बैच है क्या बसता है तुम्हारे पास एक महीना एक महीने में सिविल इंजीनियरिंग को पूरी रूप से स्टार्टिंग से स्टार्ट कराना नामुमकिन तो ये मेरिट क्या है मेरिट का मतलब है कि टेकपुर पर जो एक साल से अप्रोक्सीमेटली आठ से दस साल से जो ए की क्लासेस चल रही थी कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए वहां पर किसी भी टीचर का उठा लीजिए और आप उसके कंटेंट पर एक परसेंट भी यह नहीं कह सकते कि सर आपने बुरा पढ़ाया या आपने अप टू द ए लेवल नहीं आप मैच करा पाए ठीक है ना तीनों टीचर्स ने बेहतरीन कंटेंट देने की आपको कोशिश की है और वो उसमें कामयाब भी हुए हैं तो मेरिट का मतलब यहां पर है कि आप मेरे हिसाब से लिए तो नहीं बैठे हो गए यहां पर कि सर हम महीना बचा है अब एसएससी हो गया तो अब ए की मैं तैयारी करूंगा एक काम करो सिविल इंजीनियर मुझे शुरुआत से आप बता दीजिए उसके लिए तो तुम नहीं बैठे हो ना आप किसके लिए आप पढ़ चुके हो आप काफी हद तक पढ़ चुके हो और अगर आप जितना हमने ए में YouTube पे पढ़ाया आप उतना भी अगर आप दिमाग से और मन से पढ़ लो ईमानदारी के साथ तो सिलेक्शन तो तुम्हारा वैसे भी है लेकिन फिर भी मेरिट बैच है ठीक है कि अब आपको टॉप लोगों में फाइट करना होगा उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए तो मेरिट बैच यूपीएससी ए का जो मेरिट बैच जो टेकपुर पर फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई कॉस्ट नहीं है इसकी ये बात समझ लो ठीक है जो आ रहा है वो उसको मैंने दो भागों में बांटा यहां पर ठीक है ना उसको मैंने क्या, क्या भागों में बांटा दो भागों में बांटा सबसे पहला है मेरा स्पेशल डेली लाइव क्लासेस चलेंगी इस बैच के मद्देनजर रखते हुए ठीक है ना अब बात आई कि सर लाइव क्लासेस तो आपकी पहले भी चलती थी एक सात बजे चलती थी दस बजे चलती थी ये इसमें नाम लिखा है स्पेशल डेली लाइव क्लासेस स्पेशल का मतलब है कि स्ट्रेटजी के तहत वो आपको समझ आ जाएगी क्या स्ट्रेटजी और दूसरी चीज है यहां पर वीकेंड मैराथन अब वीकेंड मैराथन क्या होगा यहां पर देखो कोई भी इंसान एंड टाइम में आखिरी के तीन दिन यूपीएससी से जो आखिरी के दो तीन दिन होंगे उसमें मेरा कोई जोर नहीं चलेगा और किसी भी चैनल का कोई जोर नहीं चलेगा उसमें सिर्फ आप ही की भूमिका प्ले होती है वो आखिरी के दो दिन में क्योंकि इंसान सेल्फ रिवीजन वहां पर होता है तो उससे पहले आपको सेल्फ रिविजन तक की तैयारी तो करनी है ना तो मेरिट बैच है आपके दो इसमें भागों में मैंने इसको बांटा स्पेशल इस डेली लाइव क्लासेस हो गई और वीकेंड मैराथन हो गई कहने का मतलब यह है कि लाइव क्लासेस में क्या चलेगा और मैराथन में क्या चलेगा एंड टाइम में आपको किस चीज की जरूरत होती है एंड टाइम में आपको जरूरत होती है आपको कुछ आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका छह से सात घंटे का एक आपको प्रॉपर वीडियो बन जाए यानी कि एक पॉकेट डिक्शनरी एक पॉकेट हैंडबुक टाइप बन जाए मतलब वीडियो की ठीक है ना जिसको आप उठाएं जैसे आपको हाईवे पढ़ना है तो हाईवे आपने पढ़ी छ महीने पुरानी ठीक है ना पढ़ चुके हो आपने लेकिन अब आप अब वीडियो उठाए जिसमें छह घंटे या सात घंटे का वीडियो है और एक वो पूरा ऐसा

तमाम चीजों को बांटा है डेट वाइज बांटा है इसका प्रीप्लां आपके पास ऑलरेडी मौजूद दे दिया जाएगा आज कि अपने रूम पर डेट लगा लो डेट चुपका लो ठीक है ना मैं कमेंट सेक्शन बाद में लूंगा डेट लगा लो रूम पर कि किस, दिन क्या होना है, किस दिन किस चीज की मैराथन चलनी है ठीक है तो दो चीजों में इसको मैंने बांटा स्पेशल डेली लाइव क्लासेस में अब ये चीज ये यहां पर स्पेशल कैसे आया देखते हैं सबसे पहले तो मैं डिविजन करता हूं इस चीज का डेली लाइव क्लासेस को भी मैंने फर्दर और बांटा है देखो यहां पर सामने डेली लाइव क्लासेस को फर्दर मैंने डिवाइड किया है किन चीजों में ये है है आपके सबसे पहले न्यूमेरिकल स्पेशल सेशन ठीक यानी कि लाइव क्लासेस को दो टुकड़ों में मैंने इसको बांट दिया है पहला टुकड़ा है आपका न्यूमेरिकल स्पेशल क्योंकि जैसे कि एसएससी जेई सी जी की अभी जो पेपर का जो एनालिसिस कर पाया हूं उस पर यह बात तक पहुंची है कि न्यूमेरिकल लेंदी भी आ रहे हैं ठीक है ना और पेपर का लेवल एस एस जी का थोड़ा अप था एस कंपेयर टू लोग कह रहे हैं कि गेट लेवल के थे ई लेवल के थे तो इसलिए अब क्या किया है हम लोग क्या करते थे हर जगह क्या होता था एक आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चलता था भले वो मिक्स प्रैक्टिस है सब्जेक्ट वाइज है उसी में आपको नुमेरिकल उसी में आपको थ्योरी कराई यहां पर अब ऐसा नहीं है एक अलग सेशन होगा जो नुमेरिकल सेशन के नाम से होगा जो कि डेली चलेगा टाइमिंग अभी आपको पता लग जाएगी न्यूमेरिकल सेशन चलेगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पर फोकस करके ही पढ़ाया जाएगा डेली डेढ़ से दो घंटे की ये क्लास चलेगी आपकी ठीक है ना और इसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल सिर्फ क्या कर देंगे क्या कर देंगे उसका आ, हाँ उसका क्या न्यूमेरिकल एबिलिटी पे फोकस किया जाएगा और दूसरा सेशन है आपका जो है आपका थ्योरी स्पेशल सेशन यानी कि एक ही दिन में लाइव क्लासेस आपकी दो चलने वाली हैं टेक्निकल की पहला है आपका न्यूमेरिकल सेशन जो डेढ़ घंटा का होगा और दूसरा है आपका थ्योरी सेशन जो डेढ़ घंटा का होगा अब अब मुद्दा आता कि सर इसमें क्या कराओगे थ्योरी मतलब इसमें क्या पूरा सब्जेक्ट पढ़ाओगे इसमें क्या पूरा सब्जेक्ट नहीं न्यूमेरिकल स्पेशल का मतलब है मान लो अगर आपके पास स्वाइल आपने स्टार्ट की तो पहले यूनिट से मैंने देखा या जो भी टीचर पढ़ाएगा उसने यह देखा कि पहली यूनिट से पर्टिकुलर न्यूमेरिकल बन सकते हैं लेवल उनका इजी नहीं कराया जाएगा यह बात सुन लीजिए अभी तक क्योंकि इजी लेवल को हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे हम मॉडरेट टू हाई में जंप करने वाले हैं यहां पर ठीक है ना तो न्यूमेरिकल क्या पहले यूनिट से मॉडरेट न्यूमेरिकल प्लस हाई न्यूमेरिकल को उठाएंगे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ न्यूमेरिकल को डील करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे ठीक है ना और दूसरा आपका थ्योरी स्पेशल थ्योरी स्पेशल में भी आपकी कोई थ्योरी नहीं होगी थ्योरी का मतलब क्वेश्चन यहां पर भी होंगे और उन क्वेश्चनों का लेवल होगा मॉडरेट टू हाई और ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड पर होंगे और हर क्वेश्चन की आपको बैकग्राउंड समझाया जाएगा ताकि ये सेशन आपका जब आप यहां पर टैकपुर पे आए और टैकपुर के आने के बाद न्यूमेरिकल स्पेशल प्लस थ्योरी स्पेशल सेशन लें तो आप एक फील करें कि आज मैंने थ्योरी भी समझी और आज मैंने न्यूमेरिकल करने की कला भी जानी ठीक है ना यानी कि मेरा ये अलग अलग डिवाइड करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि अगर नोमेरिकल अप्रोच पर ज्यादा आता है पेपर तो हर इंसान को क्योंकि कई इंसानों के मन में नोमेरिकल का थोड़ा हवा पैदा होता है और उन इंसानों में मैं भी एक इंसान हूं तो मेरे जैसे भी कई होंगे थोड़े बहुत ठीक है तो अब क्या होगा न्यूमेरिकल की डेली प्रैक्टिस होगी डेली क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी और लेवल ऑफ क्वेश्चन हाई रखे जाएंगे मॉडरेट टू हाई ताकि आपकी एग्जाम तक एक महीने पर एक महीने आते आते यानी कि तेरह दिसंबर तक आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दी जाए न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी की सेपरेट तरीके से जैसे आप बिल्कुल डरो मत और परिपक् हो जाओ उन चीजों में ठीक है बेटा चलिए गेट लेवल के भी क्वेश्चंस चूज किए जाएंगे अब देखो अब का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही फाड़ देना है ठीक है ना अब का मतलब है, जैसे अगर में टफ थे, तो इसका मतलब यह नहीं था कि वो गेट लेवल के आ गए थे प्रीवियस ईयर गेट के थे उनका भी लेवल कम ही रहता है लेकिन अब धीरे धीरे गेट का भी लेवल बढ़ता चला जा रहा है कई चीजों में मतलब कई क्वेश्चनों में तो हम गेट तक पहुंचेंगे लेकिन गेट के वो जो तुम्हारे लिए होंगे ठीक है ना लेकिन लेवल मॉडरेट टू हाई रहेगा आपको क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा यही काम हम करने वाले हैं थ्योरी स्पेशल में तो एक ही दिन में नोमेरिकल की भी प्रैक्टिस करिए डेढ़ घंटे और एक ही दिन में थ्योरी के क्वेश्चन की, की प्रैक्टिस करिए घंटे ठीक है और पूरा आपको फील भी होगा कि नोमेरिकल की प्रैक्टिस पहले दिन दिक्कत आएगी नोमेरिकल में दूसरे दिन आएगी तीसरे दिन आएगी चौथे दिन आएगी और ऐसे ऐसे करके हमारे पास अभी है तीस चालीस दिन उसमें आप क्या पहुंच जाओगे आप नोमेरिकल करने लगोगे ये बात तय है ठीक है ना इसमें कोई भी शक नहीं है ठीक है ना उसमें कोई भी शक नहीं ठीक है ना इसमें कोई भी शक नहीं ऐसी अब देखो अब न्यूमेरिकल स्पेशल अब आगे चलते हैं और इसमें तीसरी क्लास आती है नॉन टेक की तीसरी क्लास आती नॉन टेक क्लासेस अब कई लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है कई लोगों के मन में एक डाउट ये आ सकता है क्या आ सकता है बेटा कई लोगों के मन में डाउट ये आ सकता है कि सर आप इसमें नॉन टेक क्लासेस भी चलाएंगे डेली लाइव क्लासेस में बिल्कुल चलेगी नॉन टेक क्लासेस और डाउट ये होगा कि सर आपने कई बार ऐसा किया है कि नॉन टेक की क्लासेस चलवाई हैं लेकिन टीचरों ने साथ नहीं दिया तो क्लासेस बंद हो गई अब मैं ये बात खुद के ऊपर गारंटी लेके कहता हूं कि मैं हर हर नॉन टेक पोर्सन यूपीपीएससी यही से एफिलेटेड हर नॉन टेक पोर्सन तो नहीं कवर करा पाऊंगा लेकिन जितना कराऊंगा मतलब जो सब्जेक्ट उठवाऊंगा वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा और वही सब्जेक्ट उठवाऊंगा जो मोस्ट डिमांडिंग में है जैसे कि हिंदी ठीक है ना हिंदी की क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं और कोई इरेगुलर फैकल्टी नहीं है रेगुलर फैकल्टी है कहीं भी नाम टाइप कर लेना नाम है उनका राम सर ठीक है ना एग्जामपुर पर विवेक सर के बाद जो हिंदी के सबसे बेहतरीन टीचर हैं वो हैं राम सर और वो एग्जामपुर पर ही नहीं उनका कई और जगह भी वो पढ़ाते थे पढ़ाते हैं अभी भी कई जगह तो उनका काफी नाम है और सिर्फ हिंदी ही पढ़ाते हैं वो ठीक है ना ऐसा नहीं वो कुछ और सिर्फ हिंदी तो हिंदी के परफेक्ट टीचर राम सर द्वारा आपकी नॉन टेक क्लासेज आएंगी हिंदी में हिंदी की और प्लस एक और चीज आएगी जो है यूपी की स्पेशल जीके और जीएस ठीक है ना क्योंकि तो देखो ऐसा मैं ये नहीं कहता कि आपके ए में ऐसा लेकिन एक मिथ चली आती है ठीक है ना एक डाउट चला आता है हमेशा से वो डाउट क्या होता है वो डाउट ये रहता है कि भाई कि सर यूपी की स्पे, यूपी स्पेशल आएगा क्या क्योंकि यूपी का पेपर यूपी स्पेशल आएगा क्या तो ये मिथ ये मन में हम डाउट क्यों छोड़े आ जाएगा अगर चार पांच नंबर का भी आ गया तो भी गेम कर जाएगा ठीक है ना मतलब तीन चार क्वेश्चन भी आ गए तीन नंबर का वैसे क्वेश्चन तो तीन चार क्वेश्चन भी आ गए तो भी गेम हो जाएगा तो यूपी स्पेशल यहां पर चलेगा और आपका यूपी स्पेशल के लिए सर से पूरी बात हो गई है पूरा प्लान डिस्कस हो गया है बारह क्लासेस प्लस तीन प्रैक्टिस सेट ठीक है ना उन्होंने कहा पंद्रह क्लासेस लूंगा जिसमें बारह थ्योरी की क्लासेस होंगी यूपी स्पेशल में और तीन प्रैक्टिस सेट मारूंगा यूपी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा ठीक है ना तो ये रहा आपका कुछ डेली क्लासेस को इस तरीके से डिवाइड करके दिया गया है ठीक है ना डेली क्लासेस को ठीक है ना डेली क्लासेस को इस तरीके से डिवाइड किया गया ठीक है ना चलते हैं अब आगे अब बात करते हैं सर आपने दो भागों में बांटा था पहला तो डेली था दूसरा आपका था वीकेंड मैराथन अब देखो ये लाइव क्लास का टोटल शेड्यूल यहां पर देख लो जो लाइव लाइव क्लास है उसका शेड्यूल भी यहां पर देख लीजिए क्या क्या होगा हिंदी आपकी चलेगी बेटा जो हिंदी आपकी चलने वाली उसका टाइम नोट कर लेंगे अभी से हिंदी आपकी चलेगी एट ए एम पर यानी कि सुबह सुबह राम सर के द्वारा इसमें मुझसे ये मत कहना अगर अभी भी इसमें कोई मुझसे ये कमेंट में कह देगा कि सर आठ बजे उठ नहीं पाते हैं तो विश्वास मानिए आप कभी यूपीएससी के लिए सिलेक्शन लेने के लिए तत्पर बने ही नहीं थे और ना आपकी कोई इच्छा थी वो तो आपने भेड़चाल में देखा कि सब लोग कर रहे हो तो हम भी कर ले नहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सुबह क्या शाम क्या ए की नौकरी छलकी फुलकी नौकरी नहीं होती एक नौकरी बहुत बड़ा पद होता है बहुत बड़ा जब तुम एस को देख के ये कहते हो ना कि ये बहुत बड़ा पद है तो यूपीपीएससी जो एक लगता है ना वो भी एस की इक्विवेलेंट माना जाता है बस एस आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये आपका इंजीनियरिंग विभाग होता है विभाग अलग है पद एक ही है ग्रेड पे एक ही है ठीक है ना रुतबा इसलिए एसडीएम का ज्यादा होता है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन है जनता से डायरेक्ट कनेक्ट है उसका और ऐसा कोई भी पद जिसमें जनता से डायरेक्ट कनेक्शन होता है वहाँ पर रुतवा थोड़ा ज्यादा दिखता ही है बाकी हर चीज सेम टू सेम है तो ये मानिए कि अगर आपको एसडीएम बनना है ये एसडीएम का ही पद मानिएट है किसी भी विभाग में उठा लो किसी भी परस्पेक्टिव में उठा लीजिए ठीक है तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास मौका है अभी भी आप लड़ाई लड़ सकते हो और कल से जो बैटल बिगेंस होगी वो चलेगी आपकी तेरह दिसंबर तक तो सुबह राम सर द्वारा हिंदी होगा ठीक है ना ठीक है ना सुबह क्या होगा सुबह होगा राम सर द्वारा हिंदी और मैं ये बोल रहा हूं एकदम ये परफेक्ट फैकल्टी है डिजाइंड ओनली फॉर हिंदी ठीक है ना राम सर को अभी कभी सर्च कर लेना और उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना अगर आपको डाउट हो और सात पर आपका न्यूमेरिकल स्पेशल सेशन चलेगा यानी कि शाम को सात बजे आपका न्यूमेरिकल स्पेशल सेशन चलेगा जो कि अजय सर लेंगे ठीक है ना कौन लेगा अजय सर लेंगे आपको जैसे कि पता है अजय सर अपने आप पर एक न्यूमेरिकल स्पेशलिस्ट है ये बात आपको अच्छे से पता होगी इसमें मैं मेरे बोलने की बात नहीं जो भी टेकपुर से पढ़ा होगा वो उनकी कैलकुलेशन पर उन उनको पता होगा उनका मतलब सॉल्विंग टेक्निक पर ठीक है ना और 10 पीएम पर जो क्लास चलेगी वो चलेगी थ्योरी स्पेशल क्लास ये चलेगी केतन सर के द्वारा ठीक है ना और आपको इतना ही पता होगा कि हर चीज़ में कहीं ना ढीले ना क्यों ना पड़ जाए लेकिन अगर बात जब थ्योरी की होगी तो एकदम परिपक्ता के साथ आगे आएंगे और अगर कहीं कोई पीछे मिस्टेक्स रही हो या आपको कोई अनसेटिस्फेक्शन जैसा माहौल बना हुआ हो तो अभी ये क्लास जब स्टार्ट होगी तो इसको देख लेना तो सारी पुराने के गले से ना मिट जाए चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां हो और ये तो फिर हिंदी है ही फिर आपका रात में 10 पीएम यहां पर दो टाइमिंग सेम है और ये बात सेम ही सच है यूपी स्पेशल चलेगा भाई अमित सर अब यहां पर देखो अगर यहां पर यूपी स्पेशल की क्लास चलती है तो मेरी क्लास उस दिन नहीं चलेगी बात क्लियर है फिलहाल मैं आपको बता दूं ये क्लास मेरी क्लास चलेगी 6 नवंबर है ना नहीं दिसंबर नवंबर 6 नवंबर से चलेगी मेरी क्लास ठीक है और दो नवंबर यानी कि कल से चलेगी अमित सर की क्लास यानी कि दो तीन चार और पांच लगातार चार दिन यूपी स्पेशल चलेगा ठीक है ना अमित सर के द्वारा और फिर छह से मेरी क्लासेस हालांकि कहने का मेरा मतलब यह है कि यूपी स्पेशल आपकी डेली नहीं चलेगी उनको सिर्फ पंद्रह क्लासेस चाहिए और आपको इतना तो इतनी जत्तो तो इतनी करनी पड़ेगी कि चार क्लासेस में एकदम से लगवाए दे रहा हूं ताकि आपको एक ओवर व्यू मिल जाए और बाद में फिर जब दीपावली के बाद या उससे पहले फिर मौका मिलेगा फिर दो तीन क्लासेस लगवा दूंगा तो टोटल पंद्रह क्लासेस कंप्लीट करवाऊंगा अच्छी तरीके से बात क्लियर है यहां पर ठीक है ठीक है ना तो बात क्लियर है यहां पर दो तीन चार पांच ये चलेगा यूपी और मेरी एक आपसे विनती है बड़े बड़े हाथ जो बड़े हाथ हैं या छोटे मुझे नहीं पता अब हाथ जोड़ के आपसे मेरी विनती विनती है पता मैं बिंती क्या कर रहा हूं हाथ जोड़ के जितने भी लोग देख रहे हैं मैं ये नहीं कहता ठीक है ना बिल्कुल सही संजीव स्टडी बीस बोल रहे हैं चीते की चाल और अजय सर पर कभी संदेह नहीं करते हाँ बिल्कुल मत करिए नुमेरिकल उसमें ठीक है संदेह नहीं करना हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती यह है कि जब आपकी ये यूपी स्पेशल की क्लास होगी तो प्लीज सर को परेशान करने की जरूरत नहीं है उन सर का नेचर है बहुत सीधे हैं ठीक है ना और आपकी उनकी क्लास में जब वो पढ़ाते हैं ना जेल बार्डर वगैरह मतलब यूपी स्पेशली एग्जाम वो पढ़ाते हैं तो जेल बार्डर जो आया है और ये सब लेखकाल वगैरह जिसमें यूपी की जी की ज्यादा पूछी जाती है उनके में तीन तीन चार चार छह हजार की लाइव वॉचिंग डेली के बेसिस में जाती है लेकिन कभी भी वो इंटरेक्टिव नहीं है उनका कम्युनिकेशन गैप रहता है लड़कों से बात नहीं करते बिल्कुल बहुत सीधे नेचर के टीचर हैं और हमें पता है तुम टेक्निकल वालों हो एक नंबर के कैसे वो तुम्हें पता ही है तुम टीचर को टिकने नहीं देते दो सेकंड अगर वो हल्का पड़ जाता है ठीक है तो आप उनको कंटेंट पर जज करना उनकी बातों पर जज मत करना मेरी आपसे विनती है वो आपसे यहां पर खड़े होकर मेरी तरह मजाक नहीं कर पाएंगे ठीक है ना और ना ही वो आपसे कोई इमोशनल बातें कर पाएंगे ठीक है तो वो कुछ नहीं आएंगे वो आएंगे और पढ़ाएंगे और जाएंगे तो उसमें मुझसे बाद में मैसेज मत करना कि सर वो मेरे कमेंट नहीं ले रहे हो मेरे वो नहीं ले रहे लेंगे अगर कुछ अप्रोप्रिएट कमेंट होगा तो वो डेफिनेटली लेंगे उस चीज को, को मना नहीं कर सकते ठीक है लेकिन सहयोग की जरूरत है इसमें सहयोग की जरूरत इसलिए नहीं है कि टीचर हल्का है टीचर तो इतना तगड़ा है कि दस दस हजार की लाइव वॉचिंग यहां पर दे अभी भी तुम रात में नौ बजे खोल लेना दो हजार से कम की लाइव वॉचिंग मिल जाए मतलब ऑफ सीजन में तब मैं बता रहा हूं तो ब, तो बता देना और जब पीक पे होते हैं तो आठ आठ हजार की आती है सहयोग आपका इसलिए क्योंकि वो है सीधे और तुम हो कमीने एक नंबर के वो तुम पता है तुम हो बीटेक वाले ठीक है ना वो पता है डीएनए से जुड़े हैं हम तुम्हारे ठीक है ना हम भी बीटेक के छात्र हैं तो इसलिए हमें पता है, तुम कितने बड़े वाले हो ठीक है तो चलिए ये रही कुछ ऐसी बातें अब चलते हैं मैराथन का क्या है सर ये वीकेंड मैराथन का क्या लोचा है वो आ गया यहां पर मैराथन मेरा... का लोचा आ गया यहां पर वीकेंड, वीकेंड, वीकेंड मैराथन का शेड्यूल आपके सामने कि ऐसी मैराथन जिनके शेड्यूल ऑलरेडी आपको दे दिए गए शेड्यूल क्या है ऑलरेडी आपको दे दिए गए बात क्लियर है शेड्यूल ये है वीकेंड, वीकेंड, वीकेंड मैराथन का यानी कि वीकेंड में हमने दो दिन को चूज किया है वो है सैटरडे और संडे तो जैसे ही सैटरडे आएगा और जैसे ही संडे आएगा तो आपकी एक मैराथन होगी और उसमें पूरा का पूरा लेक्चर डाल दिया जाएगा ठीक है ना लाइव लेक्चर होगा रिकॉर्डेड नहीं होगा ठीक है इसमें विथ मतलब थ्योरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबका एक कॉम्बिनेशन होगा यानी कि अगर वो वो लेक्चर में देखूंगा तो मेरा स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ठीक है ना पूरा का पूरा हो जाएगा कि हाँ यार बताओ मैंने छह घंटे क्लास ली और मेरा एक सब्जेक्ट तैयार हो गया मतलब रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं ठीक है ना तो आठ नवंबर को है फिर इक्कीस नवंबर को है बाईस नवंबर को है 28 को है 29 को है पांच दिसंबर है छह दिसंबर है मुद्दा आता है ये के बाद 21 कैसे बीच में दिवाली पड़ गई है ठीक है ना तो दिवाली की भी छुट्टियां टीचर्स मनाएंगे यानी कि हम मनाएंगे अजय सर भी मनाएंगे ठीक है ठीक है ना फिर आपको छह दिसंबर तक क्यों क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि आखिरी का एक हफ्ता खुद को खुद के लिए देना स्टूडेंट को जरूरी होता है हालांकि आजकल का ऑनलाइन एजुकेशन जब से आया है मैं इस चीज को मानता हूं यह बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जैसे ही तीन चार पांच दिन बचते हैं तो अलग अलग चैनल कुछ अलग अलग चीजें क्रिएट कर देते हैं अब लड़के बेचारे क्या होते हैं उन्हें तो सिलेक्शन लेना है तो वो इस चीज को जज नहीं कर पाते कि आखिरी के चार पांच दिन कहां देने चाहिए आखिरी के चार पाँच पांच दिन रिविजन को नोट्स में देने चाहिए पता और अभी आपको क्या करना चाहिए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस और हल्का रिविजन क्वेश्चन प्रैक्टिस और हल्का रिवीजन वही हम करा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थ्योरी प्रैक्टिस और वीकेंड पर एक रिवीजन फिर फिर आ जाओ पर थ्योरी संडे पड़ रहा है तो संडे से बाईस को संडे पड़ेगा यानी कि एक मैराथन सैटरडे को अब मुद्दा आता है सर दूसरा मुद्दा आता है ठीक है ना मुद्दा आता है बेटा अरे तो इसके ये मैराथन की छुट्टी है ऐसा थोड़ा ना कि बीच में कोई क्लास नहीं होगी वो डेली क्लास तो चल रही है ना परेशान ना हो अब यहां पर गिनो इसको एक दो तीन चार पांच छह सात अब मुद्दा आता है कि सर ये तो सिर्फ सात क्लासेस हुई क्या है ये सात क्लासेस हुई।, तो क्लासे हुई और सब्जेक्ट तो अपने साथ बारह तेरह है मैंने अभी आपसे फिर कहा कि इस मैराथन में उसी सब्जेक्ट को उठाया जाएगा जो वेटेज वाइज कहीं ना कहीं क्या है अच्छा है अब ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारे लिए लेने लेके आ जाऊं टनल ऐसा भी नहीं है मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊं रेलवे की मैराथन ठीक है ठीक है ऐसे सब्जेक्टों को कतई भी टच नहीं किया जाएगा अब मुद्दा आता है कौन से सब्जेक्ट होंगे वो टाइम विल डिसाइड एंड वी विल डिसाइड ठीक है ना उसे वक्त बताएगा और हम भी बताएंगे क्योंकि हम पहले वक्त को बताएंगे फिर वक्त ही आपको बताएगा ठीक है तो कौन से सब्जेक्ट कब होंगे ये डेट आप नोट कर लेना कि आठ नवंबर को टाइमिंग भी बस इतना है टेकपुर पर कुछ आएगा इक्कीस को कुछ आएगा बाईस को कुछ आएगा और यह सब बेहतरीन है आपके लिए इसमें मेन सब्जेक्ट को हम चूज करेंगे जो स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग और डिमांड तीन चार दिन तक देखी जाएगी ऑफलाइन कमेंट में अपनी डिमांड भी बताना कि सर ऐसा क्या है जो हमें जो जिसमें आपको डर लगता है ठीक है चलिए तो ये कुछ था एंड ऑफ द स्लाइड ठीक है ना ये रही आपकी स्लाइड का अंत तो इस चीज को आप नोट कर लेना तो अब बताइए राजस्थान अब बात करते हैं कुछ आगे की अब बात करते हैं आगे की लड़कों ने कहा सर राजस्थान के बारे में तो कुछ बताया नहीं लड़कों ने कहा सर राजस्थान के बारे में कुछ बताया नहीं राजस्थान वालों तुम्हारे लिए क्या आ रहा है सुनना जरा तुम्हारे लिए क्या आ रहा है आप वो सुनो जितना भी मैंने बताया अभी वो यूपीएससी ए भैया यूपीएससी ए का मेरिट बैच है ये ये आखिरी है मैं सच बता रहा हूं जो भी निगेटिविटी मन में लेके बैठे हो डेली आना डेली एक डिसलाइक कर देना मैं कसम से कुछ नहीं बोलूंगा आप ठीक है ना अब मैंने निर्णय लिया है बोलने से कुछ नहीं रखा है ठीक है ना मेरे इमोशंस निकालने का तरीका है गुस्सा और उससे अलग मैं कुछ कर नहीं सकता हूं गुस्से गु, और गुस्से को तुम तो 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 डाइजेस्ट कर नहीं पाओ इसलिए बोलना ब, वो है क्या है खत्म कर दो से ठीक है डेली आना एक डिसलाइक करना और तीन चार को लेके आना उनसे भी कहना डिसलाइक करो लेकिन पढ़ने आना ठीक है ना लेकिन पढ़ने आना बात क्लियर है क्योंकि सच में हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं सच में हमने प्लानिंग जो की है वो उसी के अकॉर्डिंग की है कि आपको न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों लेके चलें हर दिन और एंड में रिवीजन, ठीक है ना हाँ बिल पुतिन बोल रहे हैं सर हर काम अधूरा छोड़ देते हो रेलवे अधूरी छोड़ दी सॉयल चैप्टर वाइज करवा रहे थे क्रैश को वो अधूरा छोड़ दी अब ये तो काम तो कंप्लीट करना देना बाकी गैप तो हो सकते हैं हाँ ये इन्होंने पुतिन हालांकि अब रसिया के हैं तो इस हिसाब से उन्होंने फिर भी नॉर्मल लैंग्वेज में ही बात की है ठीक है ना और प्यार प्यार में इन्होंने मुझसे कहा कि तुमने जो कुछ स्टार्ट किया एक्चुअली वो मेरे कुंडली में है मेरी कुंडली में किसी ने मुझे बताया पंडित ने कि आप काम स्टार्ट करते हो लेकिन आप खत्म नहीं कर पाते हो मैंने कहा अच्छा मैंने ये तो मुझे पता है इसमें तुमने कौन सी नई बात बताई कह रहे तो उसके लिए आप ये उपाय करो ये उपाय करो मैंने कहा नहीं अब कोई उपाय नहीं किए जाएंगे अब काम को पूरा किया जाएगा ठीक है बेटा काम अधूरे हुए थे किस किसी और वजह से ठीक है बात को समझिए अब अगर मैं ए के लिए कुछ लेके आया हूं तो कुछ वो चलिए बहुत लेंदी है जी के बेटा परेशान मत हो सर के ऊपर भरोसा रखो आप परेशान ना हो और कुछ हटाइए हाँ चलिए और स्वाइल का क्रैश कंप्लीट करवा देना शिवम श्रीवास्तव स्वाइल की वीकेंड मैराथन आएगी 100 परसेंट जो सात सब्जेक्ट चूज किए गए उसमें स्वाइल भी है एक ही वीडियो में पूरा मजा लोगे ठीक है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है चलिए और कुछ चलिए सर करंट अफेयर देखो बेटा मैंने जैसे कि पुतिन साहब ने बोला सर जो काम करो वो पूरा करो अभी किसी ने बोला था हाँ किसी ने बोला करंट अफेयर के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने क्या कहा मैं वही काम अब पकड़ूंगा जो मैं कंप्लीट करा सकता हूं मैं अब वो काम क, पकड़ूंगा ही नहीं कि बीच में गाले देखो यार टीचर को लाते हैं जैसे तैसे हाथ जोड़ते हैं ठीक है ना प्रमोट भी करते हैं अच्छा खासा खूब बड़ाइयां करते हैं अब वो बीच मजदार में छोड़ चले जाते तो हम उसमें क्या करें उसमें मेरी नहीं है गलती बताइए हर हर, जग, हर चीज़ का कल्परेट मैं अकेला नहीं हूँ अगर कोई आता है कुछ देर पढ़ाता है और फिर वो चला जाता है तो जाने वाले को मैं नहीं रोक सकता ये मेरे हाथ में नहीं है ठीक है ना क्योंकि इंसान तभी जाता है जब उसको अगली जगह पर कुछ अच्छा दिखता है यहाँ के कंपेरिजन तो यहाँ पर सुशांत सर आए पढ़ाया अब वो चले गए आगरा ऑफलाइन में ठीक है ना तो अब वो उन्हें वहां बेहतर कुछ दिख रहा होगा अब क्या कर सकते हैं हम मेरे हाथ में कुछ चीजें हैं नहीं ठीक है हालांकि लेकिन पॉलिटी आपकी कंप्लीट करा दी नितिन सर ने इतना मुझे पता है ठीक है इसीलिए वही काम राजस्थान के लिए यह है बेटा राजस्थान का ऐप पर मेरी एक क्लास चल रही है ठीक है ना मतलब चल रही है सॉयल की ठीक है ना जैसे ही सॉइल में कोशिश करूंगा मुझे आप सिर्फ दीपावली तक का टाइम दे दो कब तक का दिवाली तक का टाइम दे दो कब तक का मैं दिवाली तक का टाइम मांग रहा हूं ठीक है तो दिवाली तक का टाइम जैसी आप मुझे देंगे तो राजस्थान के लिए अकेले मतलब इंडिविजुअल मैं दिवाली के बाद यहां पर स्टार्ट कराऊंगा राजस्थान की अब यह मत कहना सर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है राजस्थान वालों अगर आपका न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है और अगर आपका थ्योरी सेशन चल रहा है और वीकेंड चल रहा है वीकेंड मैराथन तो उसमें आप भी हैं माना आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिलेबस में नहीं है माना आपकी इन्वायरमेंट सिलेबस में नहीं है लेकिन जो सब्जेक्ट सिलेबस में है उसे आपकी पढ़ना जिम्मेदारी है बात क्लियर है चाहे नोमेरिकल हो रहे हो उसके चाहे थ्योरी हो रही हो बाकी इंडिविजुअल बैच इसका मैं दिवाली के बाद लाऊंगा अभी बर्डन काफी है ठीक है ना परेशान मत हो तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाएगा एंड में ठीक है चलिए जेपीएससी के लिए बेटा ऐप पर कोर्स चल रहा है उसके लिए जो भी होगा वो ऐप पर होगा ठीक है ना जेपीएससी के लिए जो भी होगा वो ऐप पर ही होगा ठीक है ना क्लासेस रनिंग होगी कंटिन्यू होगी और ऐप पर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के आपके मतलब कहन, कहने के अनुसार जो जो आप बोलेंगे उन सब्जेक्ट की स्पेशल रिवीजन कोर्स भी लाया जाएगा ओनली फॉर ऐप एस एस सी जे मेन्स के लिए बेटा एस एस सी मेन्स के लिए एस एस सी मेन्स के लिए एस एस सी जेई मेन्स के लिए क्या करना है आपको अभी हम रिजल्ट का वेट करेंगे ठीक है ना अभी बिहार रीजन का पेपर बचा है तो आप समझो ऐसा नहीं कर सकते कि बिहार का पेपर कराने के बाद उन्हें तुरंत ही पंद्रह दिन में मेंस रख दी नहीं हमारे पास मेंस के लिए पर्याप्त टाइम होगा तो अगर आप लोग मेंस वाले भी हो जो मेंस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए जो चीज़ें बताई बताइए यूपीएससी ए के लिए वो मटेरियल पूरा एलिजिबल होता है उनके लिए ठीक है ना बाकी स्पेशल मेन्स बाद में और एस एस जेई दो का कोर्स भी बाद में आएगा आफ्टर ए ठीक है ना चलिए बायो का कुछ करो तो अगर हो सके बायो का हो तो सकता है बायो का हो तो सकता है लेकिन यार फिर एक्चुअली लाइव वॉचिंग फिर आप लोग ढीले ढीले पड़ जाते तो बड़ा फिर फिर अगले टीचर को लाओ हालांकि बायो का तो मैं करा सकता हूं ऐसी कोई बात नहीं चलो मैं देखता हूं बायो का मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया लेकिन मैं करता हूं बायो का बायो का तो अपने हाथ से करा सकता हूं मैं चलिए और कुछ सर एक वीडियो में फुल सवाल एक वीडियो में हाइड्रोगेशन हाइड्रो हाँ जो बिल्कुल है ये सब इरिगेशन भी कंसिडर्ड हुई है ना अरे इरिगेशन तो कराएंगे ही कराएंगे ठीक है ना कुछ लोग कह रहे हैं इरिगेशन में कुछ रह गया और रह गया वो पूरा मिलेगा वहां पर डैम एम की चीजें रह गई वो सब मिलेंगी ठीक है ना परेशान होने की जरूरत नहीं और कुछ बेटा सर बायो करा दिया करा दू करा दू सु पाल तुम कराओगे मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो पंद्रह नवंबर को एग्जाम है बेटा तो क्या किया जाए हाँ, अगर बायो कराएंगे तो अमृता मैम ही कराएंगे बाकी कोई टीचर नहीं आएगा और कुछ बाकी लव एंड है बिल्कुल पुतिन जी अरे आप से तो पूरा वर्ड रहता है हम तो हम कुछ भी नहीं गेट के लिए गेट के लिए अभी फिलहाल कोई योजना नहीं है हम दो टीचर हैं हमारे पास बहुत बर्डन है बेटा बहुत ज्यादा बस इतना ही कहूंगा ए वाली क्लासेस करो और जो वीडियो डाले उनको पढ़ो गेट आराम से आपका एक इज्जतदार स्कोर के साथ निकल जाएगा इज्जतदार स्कोर मैं ये नहीं कहता आप टॉपर्स में होंगे सर राजस्थान के लिए सिर्फ नॉन टेक का रिविजन करवा दीजिए लास्ट दिए बिल्कुल शिवम श्रीवास्तव ठीक है चलिए मैं गिरधारी सर से बात करता हूँ आपकी कुछ रैपिड मैराथन को प्लान करता हूँ राजस्थान जय के लिए और कुछ एमपी सब इंजीनियर और कुछ बेटा यू की ट्रिप देखो देखो अभी सर राजस्थान नॉन टेक ठीक है ठीक है आचार्य जी का देखो बात यह है ना बात पता क्या बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब बड़े कम है मतलब लाइक बहुत कम है इतने में 500 लाइक से ऊपर गाड़ी जानी चाहिए थी और अभी तक गई नहीं अब मेरी दो तीन बातें सुनो मुझे नहीं पता कि तुम मोटिवेटेड फील कर रहे हो अभी या नहीं कर रहे हो ठीक है मुझे मैं नहीं जानता सर आज रात से स्टार्ट हो रही है क्या नहीं बेटा ये इंजीनियर एवेंजर्स मूवी एवेंजर्स बेटा वेवो एस पाल कल से कल दो तारीख को मंडे फ्रेश तरीके से सुबह आठ बजे हिंदी शाम को सात बजे नुमेरकल स्पेशल रात में दस बजे यूपी स्पेशल फॉर यूपीएससी हम छह तारीख को लॉन्च होंगे और कुछ आई ओनली सजेस्ट जो क्लास यूपीएससी की चल रही थी उन्हें ही कंप्लीट मेघा वर्मा जी यूपीएससी की जो क्लास चल रही थी वो सारी क्लासेस डली हुई हैं मेरी क्लासेस कंप्लीटेड नहीं है मैं आपकी मैराथन के जरिए कराऊंगा ठीक है ना आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो मिलेगा वो पहले से बेहतर मिलेगा ये मैं आपसे कह सकता हूं बस क्योंकि एक्चुअली बर्डन बहुत है ठीक है ना चार चार घंटे साढ़े चार घंटे की क्लासेस पर हेड बैठेंगी अगर अभी भी स्टार्ट की जाए ठीक है तो उसके लिए इसलिए मैं अलग से और कुछ नहीं कर सकता और जितना भी करूंगा वो सोच रहा हूं कम समय में बेहतर देने की कोशिश करूं ठीक है चलिए और कुछ अरे सर अभी कुछ पढ़ाई होगी क्या अभी अभी कुछ पढ़ाई नहीं होगी अभी तो बेटा अनाउंसमेंट था था सरप्राइज 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 वाला थंबनेल में में पढ़ाई पढ़ाई कब होती है और कुछ पूछना हो पूछ लो बीपीएससी पुतिन जी अभी बीपीएससी के लिए देखेंगे फिलहाल देखो आप ए देखो अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ए वाले बैच को रेगुलर लो मैं सही कह रहा हूं तुम्हें इतना बेनिफिट मिलेगा तुम्हें इतना बेनिफिट मिलेगा कि तुम मान नहीं सकते उस चीज को विश्वास मानो मेरा विश्वास क्योंकि सरलता आप कर चुके हो हम लोग बहुत करा चुके अब लेवल ऑफ क्वेश्चन को उठाना पड़ेगा मेघा वर्मा बोल रही है कि प्लेलिस्ट में कोर्स कंप्लीट कीजिए बेटा प्लेलिस्ट में कौन सा कोर्स अधूरा है मैं समझा नहीं मतलब ऐसा कौन से सब्जेक्ट है जो प्लेलिस्ट में कंप्लीट नहीं किए गए मेरे ख्याल से हम तीनों टीचर ने अपने अपने सब्जेक्ट करा दिए हैं बताइए चलिए और कुछ सर न्यू फैकल्टी भी आ? ना ना कोई न्यू फैकल्टी नहीं आएगी हम और अजय सर हैं हम लोग पर पर्याप्त प्लीज सर वंस अगेन एक बार और अरे यार दोबारा वीडियो देख लेना यार कोई समझाने वाला टॉपिक तो है नहीं कि मैं एक बार और समझाऊं पांच और छह को राजस्थान का एग्जाम है अरे प्रवीण शर्मा भरोसा करो हम करा देंगे और रिवीजन भी कराएंगे नॉन टेक का जैसे कि आपकी डिमांड है लाइक करते रहिए बेटा सोनू कुमार जी इग्नोर इग्नोर करिए इन चीजों को वो होता रहता है ये सब सर यूपीसी मेघा वर्मा जी आप 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 भरोसा क्यों नहीं कर रहे ये बताइए मैं कमेंट एक तो उनका निकल गया ऊपर मैं देख नहीं पा रहा हूं भरोसा करिए ना बाकी ऑफलाइन कमेंट में मुझे आप लोग बताएंगे तो एक बार टाइम टेबल एस जी का आंसर कब आएगा बेटा वो एस एस सी जे को ही पता होगा क्योंकि अभी एक्चुअली एक रीजन का पेपर नहीं हुआ तो इतना श्योरिटी से हम तो कह नहीं सकते क्योंकि हम जब कहते हैं तो अच्छा ही कहेंगे वरना देखो एक बार और देख लो ये देख लो भाई टाइम टेबल जो है वो ये है आपका पूरा ठीक है ना इसमें इस तरीके से है ये डेली लाइव क्लासेस हैं इसमें तीन क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी ठीक है और कुछ और कुछ बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें बीबीडी वालों पे भरोसा है अच्छा मेरे पास किसी स्टूडेंट का मैसेज आया कि बोल रहे हैं कि हिंदी में विवेक सर को लगाओ <laughs> मतलब हद है आपकी डिमांड भी कैसी रहती है राम सर से पढ़े हो के पहली मतलब पहली एक पुनर् क्या कहते हैं उसे आभास क्या कहते हैं मतलब एक राय क्रिएट कर लेते हो किसी भी टीचर के बारे में ठीक है राम सर का राम सर को कोई फेल नहीं कर सकता हिंदी के मैं कह नहीं रहा हूं आप उनके बारे में कभी जान लेना अगर पता हो ठीक है ना और कुछ बेटा अवय चौधरी कह रहे हैं भी के बेटा फोकस करिए शाम वा, वाला जो सात बजे वाला बैच है वो नुम स्पेशल बैच है आप उस बैच को डेली लेंगे आप खुद देखेंगे तीस दिन बाद अपने आप को जज करना सरप्राइज क्या था पैसे देंगे वालों के लाख दे पैसे सब कुछ दोस्त मतलब सर आपका ही सारा पैसे मेगा वर्मा जी विश्वास करो तुम मैं कैसे बताऊं आपको पूरा हंड्रेड परसेंट है मेरी तरफ से और देंगे अभी अभी जितना दिया नहीं उससे ज्यादा देने वाले हैं और कुछ भाई देखो मैं मैंने अपनी तरफ से मैंने तुमसे वादा किया था कि जो भी फैकल्टी लाऊंगा वो स्पेशलिस्ट लाऊंगा ये मैंने वादा बहुत पहले ही किया था आपसे तो जितना मैंने ये चीज़ देखी तुम लोग जब गालियां देने देनी होती तो तुम तो मुझे नाप नाप देते हो तोल देते हो ये नहीं किया वो नहीं किया तो मेरे हाथ में थोड़ो ना मैं कोई यहाँ का मालिक थोड़ो ना हूं मैं जो हूं वो आपका एक मैं पोस्टमैन हूं पोस्टमैन मैं डाकिया हूं मैं कौन हूं मैं डाकिया हूं आपने मुझे एक संदेश दिया मैंने उस संदेश के अकॉर्डिंग ऊपर को पहुंचाया मैंने कहा ऐसी ऐसी डिमांडे हैं तो डाकिया है बात क्लियर है तो डाकिया को गाली नहीं दी जाती ठीक है ना बात के लिए ठीक है तो मैं डाकिया हूं तो समझो तुम मुझे मत हर हमेशा बोला करो द रॉक बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे सिविल इंजीनियरिंग समझ नहीं आती उत्सव गुप्ता जी आप मजाक ना करें चलिए और कुछ सर मेरा पार्सन नहीं पहुंचा अब तक आप बताइए संदेश चलिए रुक जाओ कमेंट पढ़ा रहे प्रवीण वर्मा जी दिख रहा है सर इरिगेशन में रेलवे में कौन सा? इरिगेशन को दोबारा से और डीपली नोमेरिकली और उसमें सॉल्व करा दिया जाएगा और कुछ नहीं बस अपने हेल्थ को ध्यान रखिए ताकि आज जो भी अनाउंसमेंट किए हैं वो पूरी हो सके <laughs> पुतन भाईदर अच्छा वैसे लड़का बातें सही कर रहा है बातें सही हैं उसकी सर पाँच और छः वाली मैराथन क्लास नवंबर में शिफ्ट कर दीजिएगा सर पाँच और छः वाली क्लास अरे बेट चलो देखते हैं यार तुम अब, अब यहाँ स्ट्रेटजी बनाइए है तुम उसमें पहली फिर बदल कैसे चलो देखते हैं आप पहले स्टार्ट तो करो सर जी यूपी नॉन टेक्निकल का हां यूपी की क्लासेस यूपी स्पेशल चलेंगी तो कल दस बजे आ जाना बेटा क्लास में टेकपुर पर तो हाँ, पुतिन जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे रेलवे एयरपोर्ट डॉक्स देखो रेलवे तो सर करा चुके हैं कराया रेलवे सर आपने रेलवे हाओ ये, ये बच्चे कह रहे हैं रेलवे आपने नहीं कराया आरोप आरोप लगा रहे हैं प्रत्यारोप क्या प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं आप लोग कह रहे हो कि रेलवे नहीं हुआ है मैं आप लोग को बताया था कि रेलवे में बस आप लोग की क्रॉस क्रॉसिंग और वो पॉइंटिंग नहीं हुई है ठीक है आपका रेलवे जितने भी न्यूमेरिकल सेशन होते हैं जितना भी आपका न्यूमेरिकल होता है वहीं बैठ के मैं देख रहा हूं सब कुछ ठीक है आपके न्यूमेरिकल जहां से भी आते हैं सारे मैंने करा रखे हैं ठीक है पॉइंट और वगैरह रह गया वो मैं आप लोग को बताया था कि हो जाएंगी ठीक है और जो भी आप लोग का डैम वाला चैप्टर रह रहा है कई लोग कह रहे हैं सर डैम वगैरह नहीं हुआ है वो हो जाएगा वो टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं वो हो जाएंगे ठीक है और रेट एनालिसिस अभी आपका बचा हुआ है ठीक है अब बताइए भैया क्या रह रहा था आप लोगों का इरिगेशन थोड़ा करवा दीजिएगा अच्छे से क्योंकि बिल्कुल केतन सर से पढ़े ही होंगे आप लोग पता ही होगा कितना डेप्थ में कराया होगा और हो जाएंगे डैम वगैरह जो बचा है और एक चीज और बची है शायद वो शायदला थ्योरी वगैरह बची है मैंने स्किप कराई हाँ हाँ ठीक है ना तो उसको मैं दोबारा से कर दूंगा ठीक है जैसा रेलवे में बता तो रहा हूं पॉइंट और क्रॉसिंग बचा हुआ और एक दो छोटे छोटे टॉपिक है एक क्लास में भी नहीं लगेगा वो ठीक है तो वो सारी चीजें मैं करा दूंगा इसमें आप लोग परेशान मत होइए ठीक है और हाँ बात जहां तक आप लोग कह रहे हो न्यूमेरिकल मैं वहीं पे बैठ के देख रहा था कि न्यूमेरिकल बहुत वीक है बहुत वीक है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं न्यूमेरिकल सात बजे इसीलिए तो ला रहे हैं न्यूमेरिकल जो आप जितने लोगों का वीक है जितने लोगों का वीक है ठीक है कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल विद इन टाइम टाइम के अंदर रहते हुए आप न्यूमेरिकल कितना बढ़िया से कर सकते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को प्रॉपर न्यूमेरिकल सिर्फ न्यूमेरिकल ही लेके आऊंगा 7 पीएम शाम को सात बजे आपसे न्यूमेरिकल ही होंगी सिर्फ और कल से मतलब कल ही है आप लोगों का दो दो तारीख दो नवंबर से आपका स्टार्टिंग हो रहा है कल ही है तो कल से आप लोग का दो बजे से न्यूमेरिकल होगा जितने लोग मेरे सेशन से जुड़ते होंगे होंगे वो देखते कि मैं ज्यादातर न्यूमेरिकल ही कराता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही सरल तरीके से हो सकती है क्या होता है ना कि लोग देख के डर जाते हैं न्यूमेरिकल को देख के डर जाते डरो मत उसको एकदम लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है ना आप लोग का वो एकदम बढ़िया रहेगा कम से कम इंजीनियरिंग सर्विसेज तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि देखिए यूपीपीएससी करती क्या है यूपीपीएससी करती क्या है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड

टेन पी पे आप लोग की केतन सर लेंगे तो आप लोग बने रहिएगा बस ठीक है सिलेक्शन होगा और पक्का होगा ठीक है और हिंदी जीएस के लिए जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा वो सारी की सारी चीजें आप लोग की चलती ही रहेंगी इट इज ठीक है तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा और भाई देखिए आप लोग कहते हो इनको ले आइए उनके ले आइए भाई साहब जहां पे पंद्रह पंद्रह हजार बीस बीस हजार लोग लाइव देखते हैं वहां पे आप कितने आते हो सो दो सौ तक नहीं मेंटेन कर पाए थे आप लोग ठीक है और मैंने, यही कर। मैंने इतना स्टार्टिंग में जब ए ही की वैकेंसी आई थी तो भाई साहब मैंने स्टार्टिंग में विवेक सर को लगवा दिया तो सोचो लेकिन उनका हाँ उनका उस समय ऐसा लगा कि जो तुम अठारह बीस की लाइव वाचिंग तुमने दी तो मुझे ऐसा लगा कि वो उस चीज़ को ऐसा मान गए कि भाई उन्हें फिर टेक्निकल में कोई मतलब ही नहीं है कहा अब आएंगे ही नहीं ठीक है ना लेकिन राम सर आप देखो लोगों ने नाम नहीं सुना है राम सर का इसलिए दिक्कत है वरना राम सर एकदम प्योर टीचर है हिंदी के प्योर वो हिंदी के अलावा दूसरा सब्जेक्ट उन्होंने जिंदगी में कभी पकड़ा ही नहीं है ठीक है ना जिसने जो जानता है वो पता होगा राम सर के बारे में बता दूं जितने भी आपके टीचिंग वाले चैनल है एग्जामपुर का एक टीचिंग वाला चैनल है उस पर जाके देख लेना राम सर का क्या रुतबा है ठीक है वन ऑफ़ द बेस्ट फैकल्टी है हिंदी के ठीक है बहुत मतलब, बहुत मतलब हुआ, think, है, बहुत ही मतलब वगैरह एक महीने सब कुछ भूल जाओ ठीक है एक जगह आप लोग आराम से पढ़िए सिलेक्शन पक्का होगा यह विश्वास दिलाते हैं ठीक है और होगी जरूर होगी ठीक है तो तैयार तो हो जाना भाई कल सुबह से कल सुबह आठ बजे कब से कल सुबह आठ बजे कल कल सुबह आठ बजे हिंदी शाम को सात बजे क्या नुमेरिकल स्पेशल और रात में दस बजे यूपी स्पेशल यूपीएससी ए की तीन बैचेस हैं जो लॉन्च किए गए हैं आज जिसका नाम है मेरिट बैच ठीक है ना तो अगर मेरिट में आना है तो टैकपुर पर जाना है क्या है बेटा अगर यूपीपीएससी ए की मेरिट पे आना है तो टैगपुर पर जाना है मानो या ना मानो कुछ भी कर लो हम तो ये कहते हैं अगर आप मेरे हेटर हो अगर आप आपको मेरी बातें नहीं पसंद अगर आपको कोई और चीजें नहीं पसंद कंटेंट नहीं पसंद कुछ भी नहीं जो भी तो प्लीज फिर भी आइए नहीं पसंद तो उसके लिए डिसलाइक करिएगा लेकिन आइएगा और पढ़िएगा ठीक है ना ताकि बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली मिलेगा नोमेरिकल स्ट्रॉन्ग जिसके नहीं है क्योंकि एस एस जेई में जो अपने ही लड़के थे उन्होंने ये चीज़ बताई इसे नोमेरिकल में बड़ी दिक्कत आने लगी तो अब इसका मतलब क्या है कि नोमेरिकल का कुछ करना पड़ेगा वरना यू पी ए का रिजल्ट भी खराब ना हो जाए हालांकि आपका रिज़ल्ट खराब हुआ नहीं है बस आप डरे हुए क्योंकि अगर पेपर टफ था वो सभी के लिए था और कुछ सर राम सर को राम राम बोल देना मेरे, मेरी तरफ से राम सर को कल खुद आएंगे वो राम राम बोल लेना ठीक है और कुछ सर एस जी का न्यू बैच पेड कोर्स कब होगा फॉर मैकेनिकल बेटा अभी पेड सर मैकेनिकल का पेड कोर्स आने वाला है देखो सर नवंबर में आएगा अभी मतलब एक दो दिन में शायद अनाउंस कर दे मैकेनिकल का नॉट फॉर सिविल और कुछ हाँ सर एस एस सी बिना डेट वाली फ़ोटो अपलोड हो गई ये तो अब क्या होगा मतलब ये बोल रहे हाँ तो अब उन्होंने वो कर दिया अपलोड आओ वो, 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 जाएगा बाद में, हो जाएगा। वो चलो बाद में हो जाएगा सही कोई दिक्कत नहीं है वो उसका वो आई नो तो no, no, no. और क्या है भूमिका जी बोल रहे हैं आई नो निया तो उन्होंने पढ़ना बंद पढ़ाना बंद क्यों कर दिया हैं अच्छा सर इरीगेशन सर्वे का सब अरे सब होगा भैया पूरी ए को टारगेट करते हुए चल रहे हैं ना कि एक सब्जेक्ट को थोड़ो ना हिंदी तो हर कोई पढ़ा सकता है छात्र एकता जी हिंदी देखो पढ़ा तो हर इंसान हर हर चीज सकता है आप सुनो मैं इस चीज पे थोड़ा छात्र एकता ने बोला सर हिंदी कोई पढ़ा सकता है ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कोई भी ना पढ़ा पाए आप इस चीज को पहले एक बात मेरी ध्यान से सुनना टीचिंग एक कला है मतलब टीचिंग कला क्यों है कई बहुत होशियार होशियार नॉलेजेबल पर्सन होते हैं लेकिन वो एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दे पाते ठीक है ना यानी कि जो वक्त मतलब जो बोलने की एक शैली होती है समझाने की एक शैली होती है अपना मतलब एक्सप्रेसिव होना पड़ता है उसके लिए जब आप समझाते हो तो अगर इंसान समझा सकता है एक्सप्रेसिव है तो वो कोई भी चीज़ को पढ़ के ज्ञान को अर्जित करके ज्ञान दे सकता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब बात आती है तो हिंदी राम सर से कोई क्यों आप ही पढ़ा देते अब दूसरी चीज आप सुनिए राम सर की प्रैक्टिस है वो उनका दस बारह साल का एक्सपीरियंस है हिंदी में जो यूपी के अंदर ही वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और इलाहाबाद में ही बैचेस लेते थे ऑफलाइन के और अब वो एग्जामपुर डेढ़ साल से ज्वाइन किए हुए हैं ठीक है तो अब उन्हें एक आइडिया है उन्होंने यूपी के इतने एग्जामों को पढ़ाया है इतनी एनालिसिस है है उनके पास कि कि उन्हें ये पता है आपको कौन से पेपर की, के लिए किस जब मैंने उनसे कहा कि सर आपको हिंदी पढ़ानी है तो उन्होंने कहा सर किस बैच में मैंने कहा वो सर होता है टेक्निकल का के नाम मैंने कहा ए का कहता अच्छा तुरंत ही बोले कि अच्छा ए के लिए कि ठीक ठीक है हाँ तो मैंने सिलेबस बनने उन्होंने कहा मुझे पता है ए का सिलेबस अब ये कैसे पता है ये एक्सपीरियंस ये होता है एक्सपीरियंस ये होता है उन्होंने कहा मुझे पता है ए के लिए जब मैं इलाहाबाद में था तो 2013 वाला जो पेपर था तो मैंने कई लड़कों को तब पढ़ाया था ये होता है एक्सपीरियंस जो निकल के आता है ठीक है ना अब प्लस दो चीज़ें हम यहां पढ़ेंगे पहले पहले खुद के डाउट सुलझाएं तो मुझे वक्त लगेगा चीजों को ग्रेफ सुन उनको ये चीज पता है तो यहां पर होता है जो छात्र एकता जी ने बोला कोई भी तो कोई भी और परफेक्शन में थोड़ा बस इतना ही फर्क रहता है मैं आपकी बात से सहमत भी हूं और असहमत भी हूं दोनों और कुछ और कुछ बेटा तो इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे प्रदीप जी वो अब आगे राम सर नाम से ज्यादा ही किसी का छात्र एकता जी घाट का नाम है क्या करना है मेरे हिसाब से अभी आपका जो क्वेश्चन था वो थोड़ा अप्रोप्रिएट था लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा गलत है अब तुम काम सुनने या गाली देने या ब्लॉक होने जैसे कर दिए हैं मेरे ख्याल में और कुछ घाट जैसा लग रहा कोई टीचर आया नहीं पहले से तुम उल्टा सीधा कहने लगे जाओ सर राजस्थान जेल में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करें प्लीज बता दो आचार्य जी का सिर्फ बिल्कुल कोई एक सेशन लेके आपको उसके बारे में पर्याप्त नॉलेज दी जाएगी चलिए अरे बीएड में डर लगता है अरे नहीं भैया गेट का भी कोई बैच नहीं आ रहा हमारे यहां इग्नोर कर दो चलो इग्नोर कर दिया तो चलो फिर तो आपसे अब आप विदा लेने के समय आ गया है ठीक है ना तो कल से एकदम धुआंधार क्लासेस जितने भी टाइम टेबल बताएँ वो नोट कर लेना और मैराथन के टाइम टेबल भी नोट कर लेना टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए दोबारा आपको याद दिलाने की बात ना रहे थंबनेल आपका बन जाएगा जब उसे बनना होगा आपको समय आपको पता है तो उसी समय पर आप क्या प्रकट हो जाना कहाँ पर टेकपुर चैनल पर और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को बाद में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ठीक है ना ऐसी अपना प्यार ऐसी अपना सम्मान हमारे लिए बनाए रखें आप यही मेरे लिए ज़रूरी है बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती हैं ठीक है ना चीज़ें आएंगी चीज़ें जाएंगी लेकिन एक सम्मान होता है जो आता तो मुश्किल में है जाता तुरंत तो है ठीक है ना तो वो सम्मान और प्यार बनाए रखेंगे ठीक है ना तो इस सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा लगा हालांकि पहले से कम था लेकिन अच्छा था बुरा नहीं था अच्छा था एक्सपेक्टेशन तो मेरी इतनी भी नहीं थी ठीक है ना बाकी डिसलाइक्स लाइक की चिंता नहीं करते ठीक है ना जो चाहने वाले हैं वो प्यार करेंगे जो नहीं चाहने वाले हैं वो डिसलाइक करेंगे हर कोई अपना काम कर रहा है इस दुनिया में हर किसी का एक अपना क्या है महत्व तो है एक अपने मतलब काम दे दिया गया तुम्हारा काम ये है तो डिसलाइकरों का भी काम है लाइकरों का भी काम है तो आज के लिए चलते हैं फिर ठीक है तो गुड बाय ऑल ऑफ यू ख्याल रखो घर ऐसे हंसते रहो खिलखिलाते रहो अपना ख्याल रखिए घर वालों का भी ख्याल रखिए साथ साथ और पढ़ाई में लग जाओ अब नहीं रुकना है अब नहीं झुकना है जय हिंद जय भारत